7 अक्टूबर वाले इंतकाम की आग में जल रहे इसराइल ने फिर साबित किया कि वे अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। लेबनान से हो रहे हमलों का इसराइल ने ऐसा जवाब दिया कि हिज़्बुल्लाह सरगना हसन नसरल्ला मारा गया। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में घुसकर हिज़्बुल्लाह के मुख्यालय पर ऐसी बारूदी बरसात की जिससे हिज़्बुल्लाह को गहरा सदमा लगा है। इस घटना ने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, तो वहीं हिज़्बुल्लाह समूह के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। हसन नसरल्ला वह शख्सियत था जिसकी वजह से लेबनान में हिज़्बुल्लाह की सैन्य ताकत बढ़ी। हालांकि अब हिज़्बुल्लाह चीफ के मारे जाने पर जहां लेबनान में खौफ का माहौल है, तो वहीं दुनिया के कई देश चिंतित हैं कि इससे मिडल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि दुनिया भर के देशों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है। हमास समूह ने लेबनानी नेता की हत्या की निंदा करते हुए इसे इसराइल की ओर से किया गया कायराना आतंकवादी कृत्य बताया है। हम इस बर्बर इसराइली हमले और आवासीय भवनों को निशाना बनाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसराइल पर सभी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और चार्टर्स की अवहेलना करने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरे में डालने का आरोप लगाते हैं। इसराइली अपराध और नरसंहार के सामने हम अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट हैं। हिज़्बुल्लाह के भाइयों और लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध के साथ एकजुट हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नसरल्ला की मौत उन हजारों अमेरिकी, इजरायली और लेबनानी नागरिकों के लिए न्याय है जो उससे पीड़ित थे। हिज़्बुल्लाह, हमास, हूती और अन्य ईरान के प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ खुद का बचाव करने के इसराइल के अधिकार का अमेरिका समर्थन करता है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा कि नसरल्ला की हत्या से प्रतिरोध और मजबूत होगा, अमेरिकी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई ने हिज़्बुल्लाह चीफ के लिए 5 दिन के शोक का ऐलान किया है। उन्होंने सभी मुसलमानों से इसराइल के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया है और कहा कि नसरल्ला के खून का एक एक कतरा बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि नसरल्ला की हत्या से उनके इजरायली दुश्मनों से मुकाबला करने का उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होगा। हसन नसरल्ला की शहादत बलिदान की ज्वाला और उत्साह की गर्मी और संकल्प की ताकत को बढ़ाएगी। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि वह लेबनान में पिछले दिनों देखी गई नाटकीय वृद्धि से गंभीर रूप से चिंतित हैं, क्योंकि इसराइल ने राजधानी बेरूत में हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाया है। हिंसा का ये चक्र अब रुकना चाहिए और सभी पक्षों को युद्ध की कगार से पीछे हटना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री ने नसरल्ला की हत्या करने पर इसराइल की कड़ी निंदा की है। ये बलपूर्वक कार्रवाई लेबनान और पूरे मध्य पूर्व के लिए और भी अधिक नाटकीय परिणामों से भरी हुई है। रूस राजनीतिक हत्याओं की अब लगभग आम हो चुकी प्रथा से चिंतित है। जर्मनी ने चेतावनी दी कि लेबनान में स्थिति बेहद खतरनाक है, पूरा इलाका हिंसा के पूर्ण चक्र में फंस सकता है। ये स्थिति इलाके में स्थिरता और लेबनान की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। ये कभी भी इसराइल की सुरक्षा और हितों के लिए काम नहीं आती है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इसराइल के हमलों की निंदा की, इसे इसराइल की नरसंहार, कब्जे और आक्रमण की नीति का हिस्सा बताया। तुर्की लेबनान के लोगों और उनकी सरकार के साथ खड़ा है। मुस्लिम दुनिया को और अधिक दृढ़ रुख दिखाना चाहिए।